कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस दिन को प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहते हैं। इस दिन सिख धर्म के सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसी के तहत आज शहर के सिख बंधुओं में खास उत्साह का माहौल दिखाई दिया, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। आइए देखते हैं। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व या फिर गुरु पर्व भी कहते हैं। इस दिन सिख धर्म के सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख धर्म को मानने वाले लोग इस दिन भजन कीर्तन करते हैं और वाहेगुरु का जाप करते हैं। आज के दिन देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं और ढोल मंजीरों के साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसी दरमियान जब पीसीएन न्यूज की टीम ने रामदास पेठ स्थित गुरुद्वारा जाकर भेटी, तब उन्होंने बताया कि इस वर्ष कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही सादगी से गुरु नानक जयंती मनाई गई। धन गुरु नानक, सतगुरु नानक देव जी, आज प्रकाश पर्व है, बड़े खुशियाँ नाल मनाया जा रहा है गुरुद्वारा रामदास पेठ में। सुबह से लंगर सेवा चालू है, सुबह 6 बजे से, और बाबा जी की मेहर है, बस कृपा है सब चारों बाजू। किसी तरह से प्रोग्राम बहुत सोना हो गया, बहुत सोना हो गया है। हाँ, सवेरे 8 से 9 तक कीर्तन संगत थी पूरी, और उसके बाद में प्रसाद वितरण चालू हुआ, उसके बाद लंगर चालू है नाश्ते का, सुबह से चालू है अभी तक, और अब शाम का और कीर्तन है 7 बजे से 8 बजे तक का, उसके बाद में नाश्ते का लंगर है, फिर रात में वो 10-11 बजे 12 बजे तक चलता रहेगा लंगर, रात को अटूट लंगर चलता रहेगा रात में। पुरुषोत्तम नागदेव। कोरोना के बाद जो है अभी पूरा जो है गवर्नमेंट की ओर से राहत दी गई है, जिसके बाद ये पहला ऐसा बहुत पर्व होगा। हाँ, मेहर है, बाबा जी की मेहर है, बस सबने साथ दे दिया, सरकार ने भी साथ दे दिया, थोड़ा सा छूट दे दी हमारे को, तो वो सारी संगतें बहुत ने 2 सालों से बिल्कुल बिछड़ी हुई थी बाबा जी से, और वरना सेवा में यहाँ पा रही थी। आज बड़े खुश हो गए लोग, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है आज तो, भाई इतना तो भी हो गया। नगर कीर्तन ना निकला, उसका दुख बहुत है लोगों को, लेकिन हरे गुरुद्वारों में रौनक लगी पड़ी है, सारे गुरुद्वारों में नागपुर के। नमस्कार, मैं संदीप मानकर, ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन NGO चलाते हैं हम लोग। हम ये समाज सेवा में पहले अग्रसर रहते, आज हमने गुरु नानक जयंती के पावन पर्व पर एक कार्यक्रम लिया, जिसमें शरबत का वितरण, सवेरे से शरबत और पानी का वितरण चल रहा है। साथ ही हमने 2-3 हफ्ते पहले एक कैंप लिया था, ये कोरोना के कारण अब बच्चों को आँखों में तकलीफें हो रही है, जो मोबाइल में ऑनलाइन सब करना पड़ रहा है उसके कारण, तो ऐसे बच्चों को हमने आँखें चेकअप करके उनके चश्मे बनाए हैं। आज उन चश्मों का, आज 70 बच्चों का चश्मों का वितरण मल्टीपल सोसाइटी और ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन, इन दोनों के संयुक्त विद्यमान से किया गया, और गुरु नानक देव जी की कृपा रही तो और अच्छे काम होते रह गए, और ये कोरोना का काल है, ये निकल जाए, यही गुरु नानक देव जी से प्रार्थना है। धन गुरु नानक। धुरी वामन राम महिंद, मैं गढ़चिरौली से आई हूँ। मुझे पिछले साल यही नवंबर महीने में मैं नागपुर में आई, और मेरा यहाँ सिटी स्कैन हुआ, तब मेरे को मालूम चला कि मुझे कैंसर हुआ है। तो मैं यहाँ आधा घंटा आके बाबा जी से अरदास की कि मेरे को अच्छा कर दो बाबा जी, मैं अगले साल सेवा करने आऊँगी। इसलिए अभी 1 साल बराबर हो गया, मैं इधर सेवा करने आई, जो भी सेवा होंगी मैं कर लूँगी, और मुझे बाबा जी अच्छा करना। गुरु नानक जी की जय जयकार, जो बोले सो होए निहाल। बता दें कि आज के दिन देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होते हैं और ढोल मंजीरों के साथ साथ प्रभात फेरी निकाली जाती है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे, उनकी शिक्षाएं आज भी जीवन का सही मार्ग दिखाती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।